भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने डरे हुए हैं। आज पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ सड़कों पर है। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को 2 साल की सजा मिलने पर कांग्रेसियों ने दिखाया गुस्सा। उधमपुर में आज की गई प्रेस वार्ता। तानाशाही, सिर्फ तानाशाही कर अगर देश को चलाना चाहते हैं तो इनको समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत बुद्धिजीवी है। दैनिक स्टेट समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण शर्मा। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी की, और कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उनके ऊपर एक केस चल रहा था जिसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ने एक फैसला दिया कि उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, और उसके बाद उनकी जो संसद में जो सांसद की जो सदस्यता थी उसको भी रद्द कर दिया गया। और उसी को लेकर कांग्रेसी जो हैं, पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें या पूरे भारत की बात करें, तो हर एक कांग्रेसी जो है वो इसका खुलकर विरोध कर रहा है। उसी के चलते आज जिला उधमपुर में कांग्रेस कमेटी द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस ने एक कमेटी गठित की है, सत्यग्रह कमेटी, उसी के बैनर तले यह प्रेस वार्ता की गई। और राहुल गांधी को जो सजा मिली है, जो उनके ऊपर इल्जाम लगाए गए हैं, उसी को लेकर इन लोगों ने अपना विरोध जताया। तो आइए दिखाते हैं कि क्या कहते हैं कांग्रेसी इस प्रेस वार्ता के दौरान। आज की ये जो प्रेस वार्ता डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में रखी गई है, इसके अंदर जितने भी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता हैं, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट की कमेटी, पीसीसी के जितने अहदेदारान और अलग अलग फ्रंटल विंग्स के अहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं, आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जिले में हो रही है। उसी के उपलक्ष्य के अंदर जम्मू कश्मीर के भी जो 10 के 10 जिले जम्मू के और 10 के 10 जो कश्मीर के हैं, 20 के 20 जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। बींग ए उधमपुर इंचार्ज, मैं यहाँ पर यह बताने के लिए आया हूँ कि जिस प्रकार भारत का लोकतंत्र खतरे में है, आज मोदी जी पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार तानाशाही कर रहे हैं, आप देखिए कि यहाँ पर एक सवाल जब राहुल गांधी जी की तरफ से पूछा गया, भारत जोड़ो यात्रा से तो उनको डर था ही था, लेकिन एक सवाल, एक सिंपल सा सवाल, एक बीइंग अ पार्लियामेंट राहुल गांधी जी ने पूछा कि आप ये बताइए कि मोदी जी और अडानी जी कितनी बार एक साथ विदेश गए, कितनी बार मोदी जी के जाने के बाद अडानी जी उनके पीछे विदेश गए, कितनी बार ये दोनों किस किस देश में गए और वहां के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अडानी जी को मिले। 20,000 करोड़ रुपया शेल कंपनीज के अंदर जो बाहर से हिंदुस्तान के अंदर आया, वो शेल कंपनीज किसकी हैं? इन सवालों के लिए एक ऐसा पुराना केस खोलकर राहुल गांधी जी को मैक्सिमम 2 साल की सजा देकर पार्लियामेंट से इन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर बाहर किया, तो यह साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने डरे हुए हैं। आज पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ सड़कों पर है और एक डिमांड कर रहा है, क्यों ये जेपीसी नहीं बनाते, एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने के अंदर जब पूरा विपक्ष एक साथ प्रोटेस्ट पे है, पार्लियामेंट आपकी चल नहीं रही, उसके बाद ये तानाशाही, सिर्फ तानाशाही कर अगर देश को चलाना चाहते हैं तो इनको समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत बुद्धिजीवी है। हम एक सिंपल सी बात कहना चाहते हैं इनसे कि अगर इन्होंने जल्द से जल्द जेपीसी का गठन नहीं किया और ये जो बाहर से 20,000 करोड़ शेल कंपनीज के अंदर आया है, ये नहीं बताया कि ये किसका पैसा और किस लिए हिंदुस्तान के अंदर आया है, पिछले 10 साल के अंदर जो अडानी ने भारतीय जनता पार्टी को कितना पैसा दिया है, इन चीजों का जवाब जो है ये दबा नहीं सकते। राहुल जी की आवाज जो है वो पूरे विपक्ष के अंदर जितने भी ऑपोजिशन के पार्लियामेंट के एमपीज हैं उनकी तरफ से गूंजेगी। मैं सिंपल ये कि चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी वालों को कि जल्द से जल्द अगर आपने जेपीसी का गठन नहीं किया और ये सारे के सारे सवालों के जवाब नहीं दिए, तो जम्मू कश्मीर का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नागरिक, एक आम इंसान जो है वो सड़कों पे उतरेगा। आगे क्या रणनीति तय की है कांग्रेस की तरफ से? देखिए, अभी तो हमारा एक बना है यहाँ पर कि जो सत्याग्रह कि जो हमारी कमेटी बनी है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जय भारत सत्याग्रह, वो 1 महीने के लिए बनी है, जिसके अंदर जितने भी हमारे ब्लॉक्स हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उन ब्लॉक्स के अंदर हम एक नुक्कड़ मीटिंग्स करेंगे, उसके अंदर हम आम जनता के साथ बैठकर सलाह करेंगे, मशवरा करेंगे कि आने वाले समय के अंदर किस प्रकार ऐसी तानाशाह सरकार को जो है वो जवाब दिया जाए।